Good morning everyone. Today in this video we will consider you the first chapter rational number in the subject math of class 8. Exercise 1A topic rational number. At first, draw a number line and take a point 0 on it. The right side of 0 is positive. And left side of 0 is negative. Draw करते हैं 1, 2, 3, 4, 5 इन्फिनिटिव तक जाएगा. इधर -1, 2, 3, 4 -∞. A set of integers. Example, -2/3, 0/1, and 5/6. The form of p by q, example of rational number. Definition of rational number: a number that can be expressed as the form of p by q, where p and q are integers. But q is not equal to 0. -2/3, form of p by q, where p minus 2 integers, q 3 integers. Condition: q does not equal to 0. Rational number. अब क्वेश्चन पर फोकस करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन: एक्सप्रेस -3/5 एज ए रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 20. -3/5 एज ए रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 20 चेंज करना है. डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर रेशनल नंबर -3/5 डिनोमिनेटर एन्यूमरेटर डिनोमिनेटर ट्वेंटी डिवाइड 5 इक्वल टू 4. अब यहां इंक्रीज करना है 5 to 20. 5 डिनोमिनेटर को कन्वर्ट कर 20 ऑब्टेंड करना. तो जब इंक्रीज होता है तो हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं. तो नाउ -3/5 इक्वल टू -3/5. न्यूमरेटर -3 में मल्टीपल 4 और डिनोमिनेटर 5 में भी मल्टीपल 4 इक्वल टू -12/20. कन्वर्ट हो गया, 5 डिनोमिनेटर था, ऑब्टेन हो गया 20. आंसर क्वेश्चन नंबर 1.
सेम इसी तरह से सॉल्व करना है। सेकेंड क्वेश्चन, इसको क्लीन करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, एक्सप्रेस -42/98 एज ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 7। सेम क्वेश्चन है, बस चेंज 98 डिनोमिनेटर, कन्वर्ट करना है डिनोमिनेटर 7। तो डिनोमिनेटर को रिप्रेजेंट डी से करते हैं, डी मिस डिनोमिनेटर, डी इक्वल टू 7। नाउ 98 डिवाइड 7 इक्वल टू 40। Here, 98 डिनोमिनेटर और कन्वर्ट करना है 7 में, तो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज में आ रहा है। सो मल्टीपल की जगह पर अब डिवाइड करेंगे, -42/98 डिवाइड 14, डिवाइड 14, न्यूमरेटर में भी 14 से डिवाइड किया जाएगा, डिनोमिनेटर में भी 14 से डिवाइड किया जाएगा। 14 3 जा 14, 7 जा -3/7 डिनोमिनेटर ऑब्टेन 7 हो गया। इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन 3, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, फर्स्ट -12/30 स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। तो एट फर्स्ट न्यूमरेटर -12 है, डिनोमिनेटर 30, तो HCF ऑफ 12 एंड 30 इज 6। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF 6 आ गया। नाउ अब -12/30 डिवाइड, जो ऑब्टेंड हुआ HCF, डिवाइड न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, इक्वल टू -2/5। आंसर इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। 5, व्हिच ऑफ द टू रेशनल नंबर इज ग्रेटर इन द गिवन फेयर। फर्स्ट में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, 3/8 और 0। इसमें चूज करना है कि टू रेशनल नंबर में ग्रेटर कौन है। तो इसमें एक नोट है कि ऑल रेशनल नंबर या एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन 0 और एवरी निगेटिव रेशनल नंबर इज लेस देन 0। तो यहां कंफर्म हो जाता है इस नोट से कि एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर 3/8
पॉजिटिव रेशनल नंबर, और ये जीरो है, ये भी रेशनल नंबर है, इसको हम फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जीरो बाई वन। तो नोट से कंफर्म हो जाता है कि एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन जीरो एंड एवरी नेगेटिव रेशनल नंबर इज लेस देन जीरो। क्वेश्चन नंबर सिक्स पर चलते हैं। टू रेशनल नंबर माइनस फोर बाई थ्री और माइनस एट बाई सेवन, इसमें भी चूज करना है कौन इसमें ग्रेटर है, तो इसका डिनोमिनेटर सेम करना होगा। तो ये एट फर्स्ट एलसीएम ऑफ थ्री एंड सेवन इज 21, यानी डिनोमिनेटर दोनों रेशनल नंबर को कन्वर्ट करना है 21 में। तो 21 डिवाइड फर्स्ट रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर 3, तो 3 से डिवाइड कर दिए इक्वल टू 7। नाउ फर्स्ट माइनस 4 बाई 3, न्यूमरेटर में भी 7, डिनोमिनेटर में भी 7 से हम मल्टीपल कर देते हैं। 7 पोजा 28 बाई, नेक्स्ट रेशनल नंबर माइनस 8 बाई 7 इक्वल टू, इसको भी डिवाइड करेंगे 21 डिवाइड 7 इक्वल टू 3, माइनस 8 बाई 7 मल्टीपल 3 इंटू 3 इक्वल टू माइनस 24 बाई 21। अब जो ऑप्टेन माइनस 28 बाई 21 सेकेंड रेशनल नंबर माइनस 24 बाई 21, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर जो ग्रेटर होता है वो रेशनल नंबर ग्रेटर हो जाएगा। तो यहां क्लियर है माइनस 28 बाई 21 लेस देन माइनस 24 बाई 21, हेंस माइनस 8 बाई 7 ग्रेटर देन माइनस 4 बाई 3 आंसर। आज का वीडियो में इतना ही रहेगा, नेक्स्ट डे